झूम रहे थे मौके पर ले जाकर देखा गया तो मानसिक संतुलन पहले से बिगड़ चुका है कहा करके। साल भरी के बाद में ऐसा उसको दौरे आते हैं, इधर आग वाग लगा ली है और तंत्र मंत्र कर रही करके। एम्बुलेंस को कॉल किया था और पुलिस में भी कॉल किया था। क्या दिमाग थोड़ा ये हो गया था इसलिए बहुत सारा आग जला के बैठी थी, इतना सारा मतलब कपड़ा जला के बैठी थी, अपना बाल भी काट के मतलब उसमें आग में डाल दी थी। उसके बाद में 5-10-15 दिन तक वो सो जाती थी, उसको कई तंत्र विद्या वगैरह कुछ नहीं आता था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपने पन का। नमस्कार, मैं सुरभि वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। बीती रात कृष्णनगर सुपेला में एक महिला ने अपने पति दिलीप सोनी की गला दबा करके महिला ने हत्या कर दी। महिला की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं बताई जा रही है। दरअसल बीती रात महिला और मृतक दिलीप सोनी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में सो रहे होते हैं और अचानक से महिला की मानसिक स्थिति बिगड़ती है और महिला दुपट्टे से फंदा बनाती है और अपने पति की गला अपने पति का जो है गला घोट देती है। जब बच्चों को इस बात का पता लगता है कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है तब वे चीख चीख कर अपने परिजनों को आवाज़ लगाते हैं, जिसके बाद परिजन जो है मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस को इस बारे में जानकारी देते हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंची सुपेला पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया। महिला इतनी ज़्यादा आक्रोशित थी कि वो किसी से संभल नहीं रही थी, काफी गुस्से में थी। ऐसी स्थिति थी महिला की कि वो किसी को भी उस वक्त जान से मार सकती थी। यह तो वही इस मामले को तंत्र मंत्र से भी जोड़ा जा रहा है। आइए जानते हैं कि वाकई क्या ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा है या कोई और ही वजह है। हमारे साथ मृतक के परिजन जो है यहाँ पर मौजूद है, आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला था, क्यों महिला ने ऐसा कदम उठाया। हम जो है जैसे थाने पर पहुंचे तो मतलब महिला को उसका मतलब होश भी गायब थे और वो अशब्द भी बोल रहे थे, वो अब झूम रहे थे मौके पर जाकर देखा गया तो। उसके बाद उसको जो महिला जाकर DNSB क्या कराया गया, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनकी इलाज से लोग बता रहे हैं कि 3 या 4 महीने से इलाज करा रहे हैं कह करके। जी, लोग इसे जो ब्लैक मैजिक से भी जोड़ रहे हैं, ये बात कितनी सच है? ये तो अपने को नहीं मालूम, यानी कि क्या सच है क्या नहीं सच है वो तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही बताया जाएगा। नहीं मतलब महिला का जो है वो तंत्र मंत्र से भी उसकी जांच कराई जा रही थी बैगा द्वारा भी, तो ये बात सच है या नहीं है ये मैं आपसे पूछूं। ये सच है। ब्लैक मैजिक से जुड़ा गया है। तो क्या आपने डॉक्टर के पास इस बारे में बात नहीं की थी? नहीं, इनकी इलाज तो मैं डॉक्टरों के पास 4 या 5 महीने चल रहा है, जिनका रिपोर्ट मतलब ऑन दिस फार्म में ये लोग रखे भी हैं। डॉक्टरों का कहना है इनका मानसिक संतुलन पहले से बिगड़ चुका है कहा करके, हमारा काम है कोशिश करने का कहा कर ये बता रहे हैं, ये सुन रहे हैं भाई हम। हमारे साथ मृतक के जो है बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि वाकई में उस दौरान क्या हुआ था। नहीं, ये तो 5 साल पहले की बात है, जब से शादी होके आई थी उससे साल भर के बाद में ऐसा उसको दौरे आते हैं, जिसका इलाज जब मेरे पिताजी स्वर्गीय जब जिंदा थे तो वो क्या चंदूलाल है ना, हाँ कचांदूर में जो CM हॉस्पिटल है वहाँ बहुत इलाज कराते थे, उसी दौरान उसके इलाज के दौरान वो ठीक हो गई थी। उसके बाद में उसको 5-4 साल में ऐसा दौरे पड़ते थे, अभी 4-5 दिनों से लगातार वैसे दौरे पड़ रहे थे, जिसको साथ में वो उसके पति और पत्नी बांध रहे दो लोग रहते थे, उसका बड़ा लड़का है वो अपनी बुआ के यहाँ रहता है और बाकी लोग तो ऐसे ही अपने अपने परिवार में रहते हैं। तो ये पड़ोस में कल ही पता चला कि इधर आग वाग लगा ली है और तंत्र मंत्र कर रही करके, तो पड़ोस के लोग ना सब इन लोगों ने बताया, इनसे पूछी ना पड़ोस के, जो दिख रहा है ये इसका है, वो घर दिख रहा है वो मेरा है, ये घर उसका है और वो मेरी बहन का है, यानी कि चारों भाई बहन का अपना अपना अलग अलग दरवाजा है, 2 का उधर 2 का इधर। क्या बीती रात दोनों में कुछ ऐसा विवाद हुआ था जिसके चलते महिला ने ये कदम उठाया? ये तो हम लोगों को पता नहीं चला, इन लोगों ने बताया कि देखो उधर धुआं वगैरह आ रहा करके, तो रात को हम लोग वहां से देखे, तब जा करके इनको बोला कि देखो जाके करके, तो इन लोग बताए कि उसको उठा रहे हैं तो उठ नहीं रहा है, तो कॉल करके हम इन लोग बुला उसको, मेरी लड़की हो देखो।
वो बुलाई थी कॉल करके। आपने क्या कुछ देखा था उस दौरान? जो आपने देखा नहीं था। वहाँ से मतलब आग जल रहा था ना, तो मेरी चाची वो डोर लॉक करके बोली कि यहाँ से आग वग आ रहा है, तो हम लोग ऊपर से देखे थे, तो यहाँ पे चाची लोग के साथ कुछ हो रहा था, कुछ मतलब क्लियर नहीं था। फिर इस साइड आया था तब पता चला कि नहीं है, तब मैंने मतलब एम्बुलेंस को कॉल किया था और पुलिस में भी कॉल किया था, तो जब आके लेके गए ना फिर फाइनली पता चला कि नहीं है। यानी कि आए हैं 1 बजे रात को, मेरे को दरवाजा खटखटाए और बोले कि ऐसे से बात है, तो हम लोग ना बाहर में खड़े थे, उसके बाद पुलिस वाले आए और फिर पुलिस वाले सबको लेके गए हैं हॉस्पिटल, लेके हॉस्पिटल से फिर थाना लेके गए हैं। उसके बाद इस पूरे मामले को जो है ब्लैक मैजिक से भी जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो कई बार हो चुका है उसको, और उसका दवाई पानी चल रहा था, उनके ससुर थे ना वो पूरा इलाज करा रहे थे, अब उनके ससुर नहीं थे तो फिर उसके बाद उसको वैसी हालत हो गया। पति पत्नी के बीच में कैसे संबंध थे? ठीक ही था, इतने दिन से अभी 2-3 दिन से ना उनका क्या दिमाग थोड़ा ये हो गया था, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। अब क्या हुआ वो बाद में कल पता चलेगा। हुआ था इन लोगों का मतलब कुछ मतलब दिमाग प्रॉब्लम हो गया था, क्या किए क्या नहीं, हम दो मतलब बाहर रहता मेरा भाई है। कैसे इस बात की जो है जानकारी मिली? जैसे कुछ हुआ था मतलब कांड, आग जल रहा था, मेरे यहाँ पूरा मतलब धुआं फैल रहा था, मैं देखा कि मतलब धुआं कहाँ पे है, आके देखा, अपनी बहन को बोला कि धुआं कहाँ से निकल रहा है, फिर अपन दरवाजा खोले गए कि धुआं कहाँ से निकला, बहुत सारा आग जला के बैठी थी वो, यहाँ तक बता रहा हूँ कि मतलब वो इतना सारा मतलब कपड़ा जला के बैठी थी, अपना बाल भी काट के मतलब उसमें आग में डाल दी थी वो, तो उसी समय अपन आए यहाँ पे, मैं अपनी बहन को उठाया गए अपन, हम लोगों को मतलब वो फिर उसको क्या है हम लोग मतलब बाथरूम में ना पैक कर दिए, फिर अपने भाई को देखे हम लोग, आधा डर आधा बल में अपन देखे उसको, तो उस समय मतलब वो ना मतलब जा चुका था वो, तो उसके बाद भी मतलब फिर अपन कॉल किए, तुरंत पुलिस आया ले गए अपन। इससे पहले भी महिला ने ऐसा कुछ कदम उठाया था? अभी तक तो नहीं, पास पांच छह बार हो गया ये, ऐसा यानी कि उसका मेंटल प्रॉब्लम होते हुए 5-6 बार हो गया। मतलब जैसे कि बता रहे हैं आग जलाया था, तो ऐसा पहला कुछ पहले और भी कुछ? हाँ पहले भी ऐसी कुछ अपने घर का सारा तोड़ फोड़ करती थी, इधर उधर सब सामान लोगों को फेंकती थी, और उसके बाद में 5-10-15 दिन तक वो सो जाती थी, एक सांस सो जाती थी, और 10-15 दिन के बाद 15 दिन तक वो उठती ही नहीं थी, उठती थी मतलब बाहर नहीं आती थी, सो जाती थी, फिर खाना पीना खाती थी सो जाती थी, 10-15 दिन वैसी करती थी, फिर धीरे से ठीक हो जाती थी दवाई वो खा के, फिर उसके बाद कई साल तक तो ठीक ही रहती थी, फिर से वैसी 5-4 साल के बाद में दोहरा हो जाता था। इस बार मतलब 7 साल के बाद 2 दिन मतलब हुआ है, 2 या 4 दिन के बाद, उसके बाद मतलब एक कांड हुआ है बस यही, और कुछ नहीं। उसको कई तंत्र विद्या वगैरह कुछ नहीं आता था, वो मेंटली जब ये हो जाती थी ना तो वो अजीब सा हरकत करती थी, बाकी ये जैसे कि कुछ वो जो टोना टोटका और ये जादू वगैरह ना वो सब नहीं, कुछ नहीं था। क्या आप लोगों ने उनकी स्थिति को देखते हुए ऐसे कोई बैगा या फिर किसी भी इस तरह से बैगा वगैरह कुछ नहीं दिखाए? हम लोग सिर्फ हॉस्पिटल में दिखाए हैं, CM हॉस्पिटल कचांदू, इसके अलावा वो जो डॉक्टर लिख के दिया रहता था ना उसी दवाई को ला के उसको देते थे, तो बीच बीच में खा खा के वो ठीक रहती थी। मतलब कल अचानक से जो स्थिति बिगड़ी और महिला तो ने 4 दिन हो गया था उसको अचानक, और इधर एक डॉक्टर है उससे ना दवाई लिख करके कल उसको दवाई दिए भी थे, और मेरे को तो ऐसा लगता है कि दवाई खाने के बाद में भी उसको कोई असर नहीं हुआ। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, टेक्निक नई भरोसा पुराना, एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक,